हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जीटी फिल्म। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउथ इंडियन एक्ट्रेस कमल हसन की लाइफ स्टाइल एंड बायोग्राफी के बारे में और जानेंगे इनसे जुड़ी कुछ खास बातों को। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। अगर आप कमल हसन के फैन हो तो इस वीडियो को कर देना लाइक। तो इनका रियल नेम है अलवर पेथाई आनदवर और निक नेम है यूनिवर्सल हीरो और प्रोफेशन से एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर एंड फिलान्थ्रोपिस्ट हैं। इनका जन्म 7 नवंबर 1954 को पारामाखुड़ी तमिलनाडु इंडिया में हुआ था और 2021 के हिसाब से आज इनकी एज 67 ईयर हो चुकी है। अब इनकी फिजिकल स्टेटस के बारे में देख लेते हैं। तो इनकी हाइट 5'7" और इनका आई कलर ब्लैक और हेयर कलर ब्लैक है और ये नेशनलिटी से इंडियन हैं और रिलीजन से हिंदू हैं। अब इनके एजुकेशन के बारे में देख लेते हैं। तो इन्होंने अपने स्कूल की पढ़ाई सर एमसीटी मुथिये चैटियर बॉय हायर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई से की और अपने सेकेंड स्कूल की पढ़ाई इन्होंने हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल चेन्नई से की। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन्होंने 9th स्टैंडर्ड तक पढ़ाई की है, उसके बाद इन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया था। अब इनके कैरियर के बारे में देख लेते हैं। तो इनके फादर एक लॉयर थे। इनको बचपन से ही एक्टिंग का काफी शौक था। इन्होंने एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट डेब्यू किया था मलयालम फिल्म कानुम कारालुम जो 1960 में आई थी और इसके बाद इन्होंने तमिल फिल्म में डेब्यू किया मानावन जो 1970 में आई थी। और हम आपको बता दें इसके बाद इन्होंने बॉलीवुड फिल्म में डेब्यू किया एक दूजे के लिए जो 1981 में आई थी और इसके बाद इन्होंने काफ़ी सारी मूवियों में काम किया है जिनमें से कुछ नाम हैं ये तो कमाल हो गया, जरा सी जिंदगी, राज तिलक, सागर, देखा प्यार तुम्हारा, पुनः गई मानव, कड़ाल पैरिस, अपूर्वा, नामावर, हे राम, पापाना सम। तो हमको कमेंट करके बताना कि इनकी कौन सी मूवी आपको बहुत पसंद है और ये आपको कैसे लगते हैं। और इसके बाद इन्होंने टीवी में भी काम किया। इन्होंने स्टार विजय टीवी के शो में एज ए होस्ट डेब्यू किया बिग बॉस तमिल के सीजन 1 में जो साल 2017 में आया था और इसके बाद इन्होंने बिग बॉस 2, 3 और 4 में भी काम किया और अब ये साल 2021 में बिग बॉस तमिल 5 को भी होस्ट कर रहे हैं। और एज अ पॉलिटिशियन इन्होंने मकाल निधि मलम पार्टी में भी एज अ लीडर काम किया है। और अब इनके अवार्ड के बारे में देख लेते हैं। तो इनको काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के अवार्ड भी मिले हैं। इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है और साथ ही साथ इनको पद्म भूषण भी मिला है। और हम आपको बता दें इनको तमिल फिल्म की तरफ से नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन तमिल के लिए भी मिला है और साथ ही साथ इनको काफ़ी सारे फिल्म फेयर अवार्ड भी मिले हैं। और अब इनकी फैमिली से मिल लेते हैं। तो इनके फादर का नाम डी श्रीनिवासन है जो प्रोफेशन से एक लॉयर हैं। इनकी मदर का नाम राजलक्ष्मी श्रीनिवासन है और इनकी एक सिस्टर भी हैं जिनका नाम लाननी राधु है। इनके दो ब्रदर भी हैं जिनका नाम चंद्रा हसन एंड सेकेंड ब्रदर का नाम चारू हसन है जो प्रोफेशन से एक एक्टर हैं। इनकी फर्स्ट वाइफ का नाम बानी गणपति था जिनसे इनकी मैरिज 1978 में हुई थी और 1988 में इनका डिवोर्स हो गया था। इनकी सेकंड वाइफ का नाम सरका था, इनकी मैरिज 1988 में हुई थी और 2004 में इनका डिवोर्स हो गया था। और इनकी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं गौतमी 2004 से लेकर 2016 तक। और इनकी तीन बेटियाँ भी हैं, इनका नाम श्रुति हसन जो प्रोफेशन से एक एक्ट्रेस हैं और सेकंड बेटी का नाम अक्षरा हसन जो प्रोफेशन से एक एक्टर हैं और थर्ड बेटी का नाम सुबह लक्ष्मी है। और अब इनकी हॉबी के बारे में देख लेते हैं। तो इनको रीडिंग करना काफ़ी पसंद है। अब इनके फेवरेट थिंग्स के बारे में देख लेते हैं। तो इनके फेवरेट फूड हैं करीमीन फिश और फेवरेट एक्टर हैं राजेश खन्ना एंड फेवरेट एक्ट्रेस हैं श्रीदेवी एंड श्री प्रिया। अब इनके हाउस के बारे में देख लेते हैं कि ये रहते कहाँ पर हैं। तो ये अपनी फैमिली के साथ चेन्नई तमिलनाडु इंडिया में रहते हैं। अब इनके कार कलेक्शन देख लेते हैं। तो इनके पास फर्स्ट कार है हमर S2, सेकंड कार है रेंज रोवर एवोक और थर्ड कार है ओडी एयरटेल। और अब इनकी इनकम के बारे में देख लेते हैं।
तो ये लगभग 30 करोड़ रुपये पर मूवी चार्ज करते हैं। साथ ही इनकी नेटवर्क देख लेते हैं तो इनकी टोटल नेटवर्क लगभग 102 मिलियन यूएस डॉलर है। भारत रुपयों में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग 760 करोड़ रुपए बनता है। तो ये थी कमल हसन की लाइफस्टाइल वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और हमको कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।